الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني मेरे प्यारे बेटे अकीम الصلاة तू कायम कर नमाज को, वअमुर बिलमारूफी और तू हुक्म दे नेकी का, वन्हा अनिल मुनकरी और तू रोक बुराई से, वस्बिर अला मा असाबक और तू सब्र कर ऊपर उसके जो तुझे पहुंचे। सैयदना लुक्मान अलैहि सलाम अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं, उनकी नसीहतें जारी हैं। तो उन नसीहतों में से सबसे पहले उन्होंने तौहीद पर अमल पैरा होने की, शिर्क से बचने की नसीहत की, आपके साथ हुस्न सलूक करने की नसीहत की, या फिर सैयदना लुक्मान अलैहि सलाम की ही ये वसीयत है। फिर इसके बाद सैयदना लुक्मान अलैहि सलाम ने अपने बेटे को बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीमुन बिज़ाति सुदूर हैं, लतीफ़ुन खबीर हैं। अल्लाह ताला से कोई नेकी या बुराई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी छुप नहीं सकती। न सिर्फ ये कि अल्लाह उसे जानते हैं, बल्कि अल्लाह ताला उसके मुताबिक मुहासबा भी करेंगे क़्यामत के दिन, और अल्लाह ताला उसे क़्यामत के दिन ले भी आएंगे। नामा अमाल में सारे के सारे अमाल मौजूद होंगे, कोई अमल छुप नहीं सकेगा। छोटे से छोटा अमल, अच्छा हो या बुरा हो, तो उसका मामला होगा। फिर इसके बाद सैयदना लुक्मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, फरमाते हैं कि मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम कर, वअमुर बिलमारूफी और नेकी का हुक्म दे, वनह अनिल मुनकरी और बुराई से रोक। तो नमाज कायम करने का हुक्म दिया है तौहीद के बाद, माँ बाप की इताअत, बिरुल वालिदैन और अल्लाह के बारे में हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह सब कुछ जानते हैं। तो अकीदे के बाद, बिरुल वालिदैन के बाद नमाज का जिक्र किया। नमाज की अहमियत मुसलमा है इबादत के अंदर, क़यामत के दिन सबसे पहले अगर सवाल होगा तो नमाज का होगा। नमाज एक ऐसा अमल है कि ये अल्लाह, ये बंदे को अल्लाह से जोड़े रखता है। और नमाज सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, नमाज बाकायदा कायम की जाती है। तो नमाज के कायम करने के अंदर तफसील से इस मौजू पर पहले भी बात हो चुकी है। इसके अंदर नमाज पढ़ना, अरकान, शराइत, सुनन, वाजिबात, फराइज वगैरह सबके साथ नमाज अदा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, आपके बनाए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, इसी तरह नमाज वक्त पे पढ़ना, इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबा मौकूता। अगरचे वक्त लंबा है कई नमाजों का, वो वक्त लंबा इसलिए है कि मजबूरी हो तो इंसान कभी देर सवेर कर ले, वरना इंसान को अपनी नमाजें अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए। बाद अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, सबसे अफजल अमल क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना। और अगर देखें आप कि अगर एक शख्स नमाज का वक्त शुरू हो गया और वो नमाज नहीं पढ़ता, और अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है या वो इस दुनिया से चला जाता है, तो नमाज का वक्त जब शुरू हुआ था उस पर नमाज उसके ऊपर फर्ज हो गई, तो
अब अगर उसने नमाज नहीं बड़ी लेट की तो देखिए कि वो नमाज से रह सकता है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा उजर, कोई ऐसा काम पेश आ सकता है, कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है, तो नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ते थे। इसी तरह नमाज के अंदर खुशू खुजू होता है, नमाज अल्लाह के लिए होती है, अल्लाह की याद के लिए होती है। जिस नमाज के अंदर खुशू खुजू ना हो, अल्लाह की याद ना हो, तो वो नमाज भी कैसी नमाज है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था, वाकिमिस्सलात लिज़िक्री, कि ए मूसा मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो नमाज ऐसी होनी चाहिए कि नमाज से इंसान को अल्लाह याद आ जाए। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर। नमाज के साथ अल्लाह का जिक्र बुलंद होना चाहिए, अल्लाह की तरफ दिल माइल होना चाहिए। और अगर ऐसी नमाज हो जो अरकान, फराइज, सुनन, वाजिबात, शराइत के साथ हो, अपने वक्त पर हो, खुशू खुजू के साथ हो, दिल भी हाजिर हो, आज़ा भी पुरसकून हो, इंसान अल्लाह के सामने फर्मा बरदार होकर खड़ा हो, वकूमु लिल्लाहि कानितीन, तो फिर ऐसी नमाज जब इंसान पढ़ता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इखलास के साथ, तो फिर ऐसे ही नमाज पढ़ने वाला बंदा, उसके गुनाह उससे छूट जाते हैं, वो फिर बेहयाई से और गुनाह से दूर हो जाता है। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज उसे मुनकर से भी रोकती है, बेहयाई से भी रोकती है, हर गलत काम से रोकती है, बेहयाई से रोकती है। इसी तरह नमाज कायम करने के अंदर ये भी आता है कि इंसान खुद भी नमाज कायम करे और इंसान अपने बीवी बच्चों को, घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मुताल्लिकीन को, दोस्त अहबाब को, इंसान कहीं किसी ओहदे पर है तो इंसान अपने मातहत लोगों को, इंसान सबको नमाज का हुक्म दे, नमाज के लिए सख्ती करवाए। सख्ती भी अगर इंसान कर सके, जहाँ इंसान वहाँ सख्ती करे, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से कोई शख्स अगर मुनकर देखे तो वो उसको अपने हाथ से रोके, अगर हाथ से रोक सकता है। हाँ, अगर वो सख्ती नहीं कर सकता तब फिर वो जबान से कहेगा। दूसरा दर्जा है जबान से कहने का, फ़इल्लम यस्तطع फ़बिलिसानिही। तो ये नमाज है, नमाज को कायम करना और इबादत में सबसे पहले कयामत के दिन अगर सवाल होगा तो नमाज के बारे में सवाल होगा। अगर नमाज के बारे में हाल में इंसान पार लग गया तो इंशाल्लाह बाकी चीजों में भी पार लग जाएगा। अगर नमाज में फंस गया तो बाकी चीजों में भी, बाकी चीजों की नौबत ही नहीं आएगी वाली याज़ु बिल्ला। और नमाज तो बंदा और कुफर और इस्लाम के दरमियान एक फर्क है। निफाक, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो मोमिन कैसा है, और जो बंदा वक्त पे नमाज नहीं पढ़ता या बाद नमाजें उस पर भारी हैं, इशा की और फजर की, तो लोग जो नमाज से ताखीर करते थे, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको मुनाफिक करार दिया है कुरान करीम में। इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह वहुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराउन अन्नास। मुनाफिक लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं सुस्ती से खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये नमाज की अहमियत है इस्लाम के अंदर, तो नमाज इसी अहमियत के साथ अदा करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बंदे को देखो कि वो मस्जिद में नमाज के लिए आता जाता है, नमाज पढ़ता है, उसके ईमान की गवाही दो। हमें नहीं पता कि एक इंसान के दिल के अंदर क्या है। जाहिरी अमाल में सबसे ज्यादा जो अमल इंसान करता है दीन इस्लाम पर अमल पैरा होते हुए जो लोगों को नजर आता है, वो नमाज है। और मर्दों के लिए अल्लाह ने मस्जिद के अंदर नमाज को फर्ज किया है, औरतें घरों में नमाज पढ़ेंगी। तो जो लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, कोई उजर नहीं है उनका, और वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, घरों में नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जगह पर किसी और को इमाम मुकर्रर करूं और वो मर्द हजरात जो घरों में नमाज पढ़ते हैं मैं उनके घरों को आग लगा दूं।
अगर मुझे ये खदशा ना हो कि घर में बीवी बच्चे मौजूद हैं, तो बीवी बच्चों की वजह से मैं ये काम नहीं करता, वरना मैं ऐसे लोगों के घरों को आग लगा दूं जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते। तो मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें नमाज कायम करने के अंदर आती हैं। बाकी आप इबादत देखें तो ज़कात है, बहुत अहमियत है नमाज के साथ, जगह जगह उसका जिक्र है। लेकिन देखिए, ज़कात ज़िंदगी में एक दफ़ा फर्जी ज़कात एक दफ़ा अदा करनी है। नफली सदका इंसान जब चाहे करे। रोज़े को देख लीजिए, रोज़े की कितनी अहमियत है। रोज़ा साल में एक महीना है, फ़र्ज़ रोज़े नफली रोज़े हैं। और अगर हज को देखें, इस्लाम के अरकान हैं तो उनमें से हज, तो हज ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है, बाकी इंसान नफली हज करे, उम्रे करे। तो इबादत महदूद तौर पर अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, हज ज़िंदगी में एक मरतबा, रोज़े साल में एक मरतबा, 30 रोज़े, ज़कात साल में एक मरतबा, वो भी अगर इंसान साहिब निसाब हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़कात अदा नहीं करते, वो साहिब निसाब ही नहीं होते। बहुत सारे लोग रोज़े नहीं रख सकते, वो फ़दिया अदा करते हैं, उन पर रोज़े फ़र्ज़ ही नहीं होते क्योंकि वो साहिब सितात नहीं होते, मजबूरी होती है उनकी, वो नहीं रख सकते। बहुत सारे लोग हज अदा नहीं कर सकते, तो अगर इस्तेआत नहीं है तो हज हज फर्ज नहीं होता इंसान पर। लेकिन देखिए, नमाज नमाज हर सूरत में इंसान पर फर्ज है, चाहे इंसान के पास माल है कि माल नहीं है, चाहे इंसान के पास सेहत है कि सेहत नहीं है। तो नमाज इंसान पर वो फर्ज है, जैसे इंसान बालिग होता नमाज फर्ज हो जाती है। और जब तक इंसान की अकल होश हवास उसके साथ कायम रहते हैं तो नमाज इंसान पर फर्ज है। दिन में 5 मरतबा कम से कम इंसान नमाज पढ़ेगा तो नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है। अगर एक इंसान खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ ले, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ ले, लेट कर नहीं पढ़ सकता तो इंसान इशारे से पढ़ ले। अगर पीछे दुश्मन लगे हैं, इंसान दौड़ते हुए नमाज पढ़ ले, इंसान सवारी पर नमाज पढ़ ले, इंसान एक रकत नमाज पढ़ ले, दुश्मनों के आमने सामने है, सफ़े बंधी हुई है, फिर भी नमाज माफ नहीं है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। हर सूरत में नमाज पढ़नी है। वजू कर सकता है तो वजू के साथ नमाज पढ़ ले, वजू नहीं कर सकता तो तयम्मुम करके कर ले, तयम्मुम भी नहीं कर सकता तो बगैर वजू के ही नमाज पढ़ ले, नमाज माफ नहीं है किसी सूरत में। तो नमाज की अहमियत बहुत ज्यादा है, इतनी अहमियत है कि नमाज बालिग होने पर फर्ज होती है, लेकिन नमाज की अहमियत के पेश नज़र फरमाया बच्चों को 7 साल की उम्र से नमाज का हुक्म दो। 7 साल की उम्र में बच्चे बालिग नहीं होते, लेकिन बचपन से ट्रेनिंग देने के लिए नमाज की इतनी अहमियत है। फरमाया 7 साल की उम्र से बच्चों को नमाज का हुक्म दो, और अगर 10 साल की उम्र में भी नमाज ना पढ़े तो उन पर सख्ती करो उस नमाज के बारे में। तो ये नमाज की अहमियत है, नमाज दीन है, और नमाज के बगैर ज़कात साल में एक दफा। जी, ये राशि साहब कोई सवाल है? नहीं सदमे में वो मिस्टेक से आप बोल गए थे ज़कात जिंदगी में एक दफा, इसलिए मैंने अच्छा, सॉरी, वो मैं शायद हज के बारे में कहना चाह रहा था। तो ये अहमियत है नमाज की। आप समझिए कि नमाज से ईमान है, और नमाज के बगैर आप समझिए ईमान ही नहीं है। और आप देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज की कितनी अहमियत है, इंसान को खुद भी नमाज पढ़नी चाहिए और इंसान को अपने बच्चों को, अपने मुतालिकीन को नमाज का हुक्म देना चाहिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी नमाज पर डट जाएं। और ये नमाज, जैसे मैंने जिक्र किया, कब तक पढ़नी है? दुनियावी कामों से रिटायरमेंट है, लेकिन इबादत से, नमाज से कोई रिटायरमेंट नहीं है। फरमाया वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, उस वक्त तक अपने रब की इबादत करो जब तक कि आपको मौत आ जाए।
ये इस्लाम में नमाज की अहमियत है, गोया कि नमाज ईमान है, ईमान की दलील है। जो बंदा एक नमाज पढ़ता है उसको दूसरे नमाज की फिक्र लग जाती है। तो ये सबर और मुसाबरा है, ये रिबात है। और रिबात की कितनी फजीलत अहादीस मुबारका में, अहादीस मुबारका में आता है कि अगर एक बंदा एक घड़ी रिबात में गुजार ले तो उस तो पता नहीं कितने साल की इबादत से बेहतर है। तो रिबात में एक तो ये चीज आती है कि इंसान सरहदों की, इस्लामी सरहदों की हिफाजत करे, अपनी जान जोखिम में डालकर इंसान मुसलमान भाइयों की हिफाजत करे, पहरेदारी करे दुश्मनों से जिहाद के अंदर, सरहदों में वगैरह वगैरह। एक ये रिबात है, और एक रिबात ये है कि एक इंसान मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, अभी एक नमाज मुकम्मल हुई है तो इंसान को दूसरी नमाज की फिक्र लग जाए कि दूसरी नमाज कब आनी है और मैंने उसके लिए कब जाना है वक्त पर। तो ये भी रिबात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो फरमाया है प्यारे बेटे नमाज कायम कर, व अमर बिल मारूफ व नहय अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ कर और नहीं अनिल मुनकर कर, दूसरों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोक। तो नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये भी मुसलमानों की बुनियादी जिम्मेदारी है। इंसान खुद भी नेकी करे और इंसान दूसरे को भी नेकी करने का हुक्म दे, जैसे नमाज के बारे में मैंने जिक्र किया। एक आदमी अगर खुद नेक है तो उसका खुद नेक होना उसका कामयाब होने के लिए, खसारे से निकलने के लिए काफी नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल असर में, वल असर इन इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ने कसम खाकर फरमाया कि सारे के सारे इंसान खसारे में, ऐ अल्लाह इस खसारे से कौन महफूज है। फरमाया चार, यानी वो लोग जिनमें चार सिफात हैं वो इस खसारे से महफूज है। वो कौन लोग हैं, वो चार सिफात कौन सी हैं उन लोगों की। पहली सिफत है कि वो ईमान लाए, जबान से इकरार करें, दिल से तस्दीक करें, जबान से इकरार करें, वो आमिलु सालिहाती फिर नेक अमल करें, सबूत दें अमल से कि हमने जबान से इकरार किया है, दिल से तस्दीक की है, उसका फिर अमलन सबूत दें आमाल से, अमले साले करें। दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है वतवासो बिलहक, फिर दूसरों को हक की तलकीन करें, हक की वसीयत करें। और फिर इसे मुश्किल आएगी तो फिर वतवासो बिसब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। तो जब तक एक इंसान दूसरों को नेकी का हुक्म नहीं देता, बुराई से नहीं रोकता, तो गोया कि वो खसारे से नहीं निकल पाता। अकेला नेक होना काफी नहीं है। आप देखिए कि असहाबे सब्त यहूदी बनी इसराइल के लोग, तो उनके तीन गिरोह थे। एक गिरोह वो था जो ये हीला करता था, अल्लाह ने रोका था हफ्ते के दिन इबादत करने या तिजारत करने से। तो एक गिरोह था जो हीला करके वो हफ्ते के दिन वो मछलियों को एक तरीके से वो तालाबों में ले आते थे, छोटे तालाबों में, और हफ्ते के दिन मछलियां आती थी, बाकी दिनों में कम आती थी, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। तो वो हफ्ते के दिन किसी तरीके से वो उन्होंने ऐसे बना लिए सुराख वगैरह कि वो हफ्ते के दिन वो मछलियाँ जो हैं वो ज्यादा आती थी, तो वो उनके हीले की वजह से उनके तालाबों में आ जाती और फिर वो इतवार और बाकी दिनों में शिकार कर लेते। तो कुछ लोग ये हीला करते थे और ये अल्लाह की बड़ी सरी नाफरमानी थी। लेकिन दो अब लोग मजीद थे, एक वो लोग थे, यानी तीन गिरोह थे। एक गिरोह वो था जो बड़ा गिरोह था जो इस अमले बद में मुबतला था, जो जो ये हीला करता था। दूसरा गिरोह वो था जो ये काम नहीं करता था और इनको करने वालों को रोकता भी था। और तो तीसरा गिरोह वो था जो ये काम करता तो नहीं था लेकिन रोकता भी नहीं था। वो कहता था कि हमें इनको रोकने का क्या फायदा है, इन्होंने कौन सा रुक जाना है। तो जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजैना अल्लज़ीना यनहौना अनिस सूई व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून। कि जब वो भूल के जो उनको नसीहत की गई थी तो हमने उन लोगों को निजात दी जो बुराई से रोकते थे। यानी अब तीन गिरोह में से तीसरा गिरोह
अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको निजात दे दी, एक गिरोह को निजात दी, तीन गिरोह में से एक गिरोह वो था जो बराह रास्त इस बुराई में शरीक था, हीला करता था, एक गिरोह वो था जो खुद ये बुराई नहीं करता था लेकिन वो लोगों को रोकता भी नहीं था। निजात किसको मिली? निजात इसको नहीं मिली, निजात उस तीसरे गिरोह को मिली कि जो खुद भी बचता था इस बुराई से और दूसरों को भी रोकता था। तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बहुत जरूरी है। जब किसी कौम के अंदर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर खत्म हो जाता है तो उस कौम में इस्लाह का पहलू खत्म हो जाता है, वो कौम आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी क्या जबरदस्त मिसाल पेश की, आपने फरमाया कि जो कौम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करती, जालिम का हाथ नहीं रोकती, लोगों को नेकी का हुक्म नहीं देती, उनकी मिसाल ऐसे जैसे बहरी जहाज हो, बड़ी कश्ती हो, उसकी कई मंजिलें हैं। तो अगर निचली मंजिल के लोग वो ऊपर आए तो ऊपर वाले तंग होते हैं पानी लेने के लिए, अगर नीचे वाले लोग ऊपर आए तो जब ऊपर वाले तंग हो तो नीचे वाले कहें कि चलो हम ऊपर नहीं जाते, हमें ऊपर जाने के लिए ऊपर से इतना लंबा पानी हमें लेना पड़ता है जाकर, तो हम नीचे से ही सुराख कर लेते हैं। तो अगर नीचे वाले लोग अपनी मंजिल में जहाज में सुराख करने लगे, ठक ठक शुरू हो जाए, अब ऊपर वाले वो चुकन्ना हो जाए कि जी नीचे तो ठक ठक हो रही है, नीचे ये लोग सुराख करने लगे हैं, अगर अब ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ रोक लें तो ऊपर वाले भी बच जाएंगे, नीचे वाले भी बच जाएंगे। अगर ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ ना रोकें तो सिर्फ ये नहीं कि नीचे वाले तबाह होंगे, ऊपर वाले भी तबाह होंगे। ये मिसाल है उस कौम की जिस कौम के अंदर अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर खत्म हो जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, वत्तकू फितनतल्ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, उस फितने से बच जाओ जो सिर्फ जालिमों को नहीं पहुंचेगा। उस फितने में वो लोग जो जालिम नहीं है वो भी उस फितने का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये वो कौम है कि जिसमें अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर खत्म हो चुका होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी कौम में अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर खत्म हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उस कौम पर ऐसे अजाब लाते हैं, वो फिर दुआएं करते हैं लेकिन वो अजाब फिर टलता नहीं है उनसे। तो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बहुत जरूरी है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ऐसा इदारा बनाए जो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करे। अगर हुकूमत अपनी ये फराइज अपना फरीजा सर अंजाम नहीं देती, हुकूमत का काम है हुकूमत निज़ाम सलात कायम करे, निज़ाम ज़कात कायम करे, अमर बिल मारूफ का इदारा नहीं अनिल मुनकर का इदारा कायम करे, ये बुनियादी जिम्मेदारियां हैं हुकूमत की। लेकिन आज इन जिम्मेदारियों को कौन जानता है, किसी ने किसी को क्या पता और किसी को क्या परवाह है कि अल्लाह के क्या हुक्म है कुरान में या दीन में, अल्लाह ताला ने क्या क्या अहकाम दिए हैं। अल्लज़ीना मक्कनाहुम फिल अर्ज़ अकामू सलात व आतउ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, हुकूमत की जिम्मेदारी। हुकूमत अगर नहीं करती तो ये काम उलमा के है, फिर उलमा कम से कम जबान से लोगों को नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उलमा कोई मखसूस मामलात हैं, बड़े मामलात हैं, उन मामलात में तो उलमा ये काम करेंगे, उलमा की ये जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी मुसलमान ये ना समझे कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमान ये जिम्मेदारी सिर्फ उलमा की है। बड़े मामलात में जिन मामलात का आम लोगों को नहीं पता, आम लोगों को नहीं पता ये बिदत हो रही है या खराबी हो रही है, तो वहाँ उलमा ही रोकेंगे, उलमा को पता है इस बात का। अल्लाह फरमाते हैं वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैरि व यामुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर, तुम में एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दे, खैर की तरफ बुलाए, लोगों को नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके, वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब लोग हैं। लेकिन ये उन मामलात में है जो मामलात आम लोगों को पता नहीं होते, वहां तो ये उलमा की जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ उलमा पे ये जिम्मेदारी डालकर बाकी मुसलमान समझेंगे हमारा काम तो ये है कि हम दुनियादारी के अंदर मगन हो जाएं, अब सिर्फ उलमा का काम है उलमा लोगों को दीन का हुक्म दें, उलमा लोगों को नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें, खैर की तरफ बुलाएं, नहीं, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा की हर फर्द की लगाई है उन मामलात में जो मामलात आम आम है, जिनका सबको पता है, किसी को देखें कि वो झूठ बोल रहा है उसको झूठ से रोकना चाहिए, किसी को देखें कि वो माप तोल में कमी कर रहा है तो हर बंदे को उसको रोकना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका हुक्म दिया, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर,
तुम सबसे बेहतर उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, तुम बुराई से रोकते हो, और तुम इन्होंने बिल्ला तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो इस उम्मत के हर हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे को नेकी का हुक्म दे, दूसरे को बुराई से रोके। वो नमाज के लिए जा रहा है, देखे कोई और बंदा नमाज के लिए नहीं जा रहा, तो वो उसको कहे क्या हो भाई नमाज पढ़ ले। किसी को वो मुनकर से रोक सकता है तो वो उसको मुनकर से रोके। हर फर्द की जिम्मेदारी है, सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, आपने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगयिरहु बियदिही, तुम में से जो शख्स भी मुनकर को देखे उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर वो ये काम ना कर सके तो जबान से रोकने की कोशिश करे, अगर ये काम भी ना कर सके तो फिर कम अज कम दिल में बुरा जाने और यह कमजोर तरीन ईमान है। बताइए कि बाप घर में बच्चों को नेकी का हुक्म ही ना दे, बुराई से ना रोके, और कि मैं तो आलिम नहीं हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, उलमा की जिम्मेदारी है ये, खास तौर पे उन मामलात में जो उलमा के हैं, जो उलमा वाले हैं जिनका आम लोगों को पता नहीं होता, वो मखसूस एक गिरोह होना चाहिए। फतवे का काम, इस किस्म की इसलाह का काम, गहरी चीजें, वो सिर्फ उलमा का काम ही है, वो उलमा नहीं करना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो आम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर है, ये हर फर्द की जिम्मेदारी है, उम्मत मुस्लिमा की। हर शख्स की जिंदगी का मकसद दीन का गलबा है, हक और बातिल की कश्मकश में हक का साथ देना। सुरासर से भी यही पता लगता है। खसारे से बचने के लिए ईमान, अमले साले, हक की वसीयत करना एक दूसरे को, एक दूसरे को सब्र की वसीयत करना जरूरी है। ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, खा मर्द हो खा औरतें हों, अपनी अपनी हद तक। हम कहेंगे जी हमारे करने से क्या हो जाएगा, हमें अपने हिस्से की शमा जलानी है। जो बंदा जितना काम कर सके उसे उतना करना है, ये कोई तरीकेकार नहीं है। हम कहेंगे जी वो खराबी इसलिए है, फलां गिरोह अपना काम नहीं कर रहा, तो बड़ा आसान है कि इंसान दूसरे पर डाल दे जी, वो हुक्मरान ठीक होंगे तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, उलमा ठीक होंगे तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, फलां तबका ठीक हो, टीचर ठीक हो जाएंगे तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें अपनी इसलाह के लिए, अगर हमें अपनी इसलाह करनी है तो इनफरादी तौर पर हर हर बंदे को अपनी इसलाह करनी होगी, और दूसरों को नेकी का हुक्म देना होगा, बुराई से रोकना होगा। हर बंदे को अपने अपने हिस्से की शमा जलानी होगी। तो फरमाया है मेरे प्यारे बेटे, नमाज कायम कर और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोक। वस्बिर अला मा असाबक, और सब्र कर ऊपर उसके जो तुझे पहुंचे। जब इंसान नेकी का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, खास तौर पे बुराई से रोकेगा, तो फिर इंसान को मुश्किल आएंगी। तो फिर जो मुसीबत आए, जो मुश्किल आए दीन की राह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की दावत में, तो फिर उस पर सब्र करना है। चाहे वो दावत देते हुए, अमर बिन मारूफ करते हुए, नहीं अनिल मुनकर करते हुए कोई मुश्किल आए, कोई आजमाइश आए उस पे, या वैसे अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए, कोई बीमारी आ जाए, कोई अल्लाह की तरफ से कोई और आजमाइश हो जाए, अल्लाह ताला हमें आफियत दे, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, तो कोई आजमाइश आए तो उस पर फिर सब्र करना है खंदा पेशानी के साथ। तो ये बुनियादी तरीन तरबियत है जो हर इंसान को अपनी भी करनी है और अपनी औलाद की भी करनी है, अपने मुतालिका लोगों की भी करनी है। मुश्किल पे सब्र कर, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये चीज तो उलुल अज़म कामों में से है। ये इन ज़ालिका, बाज़ उलमा की राय है कि ज़ालिका से मुराद पिछली सारी चीजें मुराद हैं। ये सारे बड़े बड़े उलुल अज़म काम हैं, ये काम इतने आराम से नहीं होंगे, इनके लिए बड़े मजबूत फैसला करना पड़ेगा, बड़ी मजबूती से इंसान को इरादा करके जम जाना होगा उस पर। अगर अज़म नहीं होगा ये काम नहीं हो सकेगा। देखिए, अगर अपने आप को नेकी पर लाना है तो, और बुराई से रोकना है अपने आप को, तो फिर एक अजम करना होगा। और असल ईमान अजम का नाम होता है। ये ईमान इतना मजबूत होता है कि ये पहाड़ से ज्यादा मजबूत होता है। अगर एक इंसान अजम करे, देखिए अजम वो चीज है, ईमान यकीन का नाम है, यकीन अजम है। जब एक इंसान ये अजम कर लेता है, अल्लाह से अहद बांध लेता है, ऐ अल्लाह मैंने आपका नाम का कलमा पढ़ लिया है, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं नेकी करूंगा, अब मैं फलां काम
मिलावट है, अब मैं मिलावट नहीं करूंगा, अब मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, अब मैं बेपर्दगी नहीं करूंगी, अब मैं सिला रहमी करूंगा या करूंगी। जब एक इंसान अजम करता है, इरादा करता है, फिर अल्लाह की मदद होती है। और ये इंसान का इरादा और ये इंसान का अजम, इंसान का यकीन जो इंसान के दिल के अंदर होता है, ये है असल ईमान। और ये अजम और ये यकीन और ये ईमान पहाड़ से ज्यादा मजबूत होता है। एक मोमिन का एक मुनाफिक का फर्क ये इसी अजम का ही होता है। जिसके अंदर ये अजम कम होता है तो वो बार बार दुनिया की तरफ मुबतला हो जाता है। जिसके अंदर ये अजम होता है, ये यकीन हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे लोगों से गुनाह नहीं होते, गुनाह ऐसे लोगों से भी हो जाते हैं, लग्जिश ऐसे लोगों से भी हो जाती है। लेकिन पहली बात है कि ये इन्होंने मजबूत फैसला किया होता है, पहले ये गुनाह होने नहीं देते। अगर बशती तकाजे के तहत, बशती तकाजे के तहत इनसे भी गुनाह हो जाता है, इनसे भी लग्जिश हो जाती है, अगर हो जाए ये पीछे पड़ जाते हैं, हमने इसलाह करनी है, तौबा करनी है, तो जब ये तौबा करते हैं अल्लाह इनका दर्जा पहले से भी बढ़ा देते हैं। सैयदना आदम अलैहि सलाम के हवाले से अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा। अल्लाह ने फिर चुन लिया, अल्लाह ने रजू फरमाया, अल्लाह ने हिदायत दी, पहले से मुकाम बुलंद कर दिया। बल्कि जब इंसान तौबा करता है, बशरी तकाजे के तहत गलती होती है, तो अल्लाह की वो जो शान है गफारियत की, माफ करने की, तो वो शान नुमाया होती है। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई कौम गलती ना करे तो मैं ऐसी कौम को खत्म करके ऐसी कौम ले आऊं जो गलती करे और गलती करके फिर तौबा करे। तो अजम क्या है कि एक इंसान वो इरादा कर ले पुख्ता, मैंने फला नेकी करनी है, मैंने फला गुनाह से अपने आप को बचाना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचाना है, फिर भी बशती तकाजे के तहत अल्लाह ने साथ शैतान लगाया है, हमारा नफ्स हमारे साथ है, दुनिया और दुनिया की रंगीनी अल्लाह ने आजमाइश के लिए रखी है। अगर बशरी तकाजे के तहत गुनाह हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अजम फिर इंसान का ईमान और यकीन इंसान को इस पर उभारता है कि इंसान फौरन तौबा करे अल्लाह ताला से। ये बहुत अजम वाले कामों में से, और जैसे मैंने जिक्र किया कि जब ये हमारे दिल के अंदर जागुजी हो जाए ये अजम, तो ये पहाड़ से ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे बंदे को जो अजम करे, पुख्ता अजम करे, उसको कोई हिला नहीं सकता फिर। और ईमान इसी का नाम है। आप मुझे बताइए, सैयदना बिलाल हबशी, सैयदना उमर फरमाया करते थे हजरत उमर के बारे में, हजरत अबू बकर के बारे में, कि अबू बकर सैयदुना आतका सैयदना। अबू बकर हमारे सरदार यानी सैयदना बिलाल हबशी को उन्होंने आजाद किया। हजरत उमर जैसा शख्स हजरत बिलाल को अपना सरदार कहता है। हजरत बिलाल ये वो अज़्म व इस्तिक़लाल वाली शख्सियत हैं कि दुनिया एक तरफ थी और वो उन शिर्क सुनना चाहती थी, और उन पर उन्होंने जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े। लेकिन आप बताइए क्या चीज थी कि वो पूरी दुनिया, पूरे मुखालिफिन उनसे नहीं मनवा सके, उनके मुंह से वो शिर्क नहीं निकाल सके। जितना जुल्म होता था, जितनी ज्यादती होती थी, वो जलते अंगारों पर लिटा देते थे, लेकिन जबान से अहद अहद के अलावा कोई और कलमा निकलता ही नहीं था। ये अजम था, ये ईमान था, ये यकीन था। बाज़ उलमा की राय यह है कि ये जो पीछे सारी बातें हैं, तौहीद, ये वालिदैन के साथ नेकी, और ये नमाज, और अमर बिलमारूफ नहीं मुनकर, और ये सबर, ये सब चीजें, ये बहुत उलुल अजम कामों में से हैं, बहुत बड़े कामों में से हैं। बाज़ उलमा की राय ये नहीं, ये आखिरी सबर के बारे में बात हो रही है। सबर जो है ये उलुल अजम कामों में से है, ये बहुत अजीमत वाले कामों में से है। और जिस बंदे के अंदर ये आ जाता है अजीमत, तो मैंने कहा कि फिर असल में हकीकी मोमिन फिर वो बंदा होता है। और ईमान जो है वो इस यकीन का नाम है, और इस सबर का नाम है, और इस अजीमत का नाम है। ईमान कोई क्वांटिटी नहीं है कि फलां बंदा जो है वो रकतें ज्यादा पढ़ लेता है, फलां बंदा सदका ज्यादा दे देता है। मैं ये नहीं कहता रकतें ज्यादा पढ़ने की और सदका ज्यादा देने की कोई अहमियत नहीं है। असल चीज ये नहीं है, असल चीज उसके पीछे ईमान है, क्वालिटी है। असल क्वालिटी वो अजम है, वो ईमान है, वो इस्तिक्लाल है। इन लदीन कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो
जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर डट गए इसके ऊपर, फिर अजम के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी इसके ऊपर गुजार दी कि हमारा रब अल्लाह है। सिर्फ उन्होंने जबान से अल्लाह को अल्लाह वहदहु ला शरीक तस्लीम नहीं किया, उन्होंने एक एक अमल से ये बात साबित की कि वाकई हमारा रब अल्लाह है। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर ऐसे लोगों पर मरते वक्त फरिश्ते नाजिल होते हैं और फरिश्ते उन्हें खुशखबरियां देते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहजनू वाबशिरू बिल जन्ना, जन्नत की बशारत देते हैं। फरिश्ते कहते हैं दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे, आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त होंगे। ये अजम, ये इस्तकलाल। सहाबा किराम कहते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जो मकाम है इस्लाम में, नबियों के बाद सबसे बुलंद मकाम, वो कहते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु कोई नमाजें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते थे, कोई उनके ऐसे कोई अमाल की तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, वो एक यकीन था, एक अजम था, एक ईमान था जो उनके दिल में मौजूद था, वो उसके बिना पर वो सबसे फाइक थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ऐसा जज्बा था कि ऐसे ऐसे मौकों पर, जिस मौकों में मौके पे बाकी लोग मुतजलजिल होने लगे, उस जगह पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अजम करके दिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अलग तशरीफ ले गए, हर बंदे ने जाना है, तो उस मौके पर सैयदना उमर जैसा शख्स, जिनसे शैतान भी जिनको देखकर रास्ता बदल दिया करता था, वो उमर जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी हो तो वो उमर होता, अगर इस उम्मत में कोई शख्स मुल्हम है जिस पर इल्हाम होता है, वो उमर है, उमर पर इल्हाम होता है। ये फजाइल है सैयदना उमर के। लेकिन हजरत उमर भी एक दफा जो है वो परेशान हो गए, कहने लगे जो कहेगा नबी से तो हम फौत हो गए हैं, मैं उसे गर्दन उड़ा दूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पता लगा, वो तशरीफ लाए वकार के साथ, अजम के साथ, हौसले के साथ, फिर उन्होंने सबको हौसला दिया और सबको तसल्ली दी और समझाया हजरत उमर को। नहीं समझ आई हजरत उमर को, पहले बात की हजरत उमर से, नहीं हजरत उमर को समझ आई, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और आपने खिताब करना शुरू किया, और फिर उन्होंने अल्लाह की हमदो सना पढ़ने के बाद फिर उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, उमा मुहम्मदुल्लाह रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफइन माता कुतिल इन्क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह से रसूल से बढ़कर नहीं थे कि उन्हें खुदाई सिफात थी, वो माबूद थे, उनसे पहले बहुत से रसूल आए और चले गए, तो ये भी अल्लाह के रसूल थे, इन्होंने भी जाना ही था आखिरकार। अफइन माता कुतिल इन्क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या अगर आप फौत हो गए या आपको शहीद कर दिया गया तो तुम अपने कदमों पर पलट जाओगे। ये आप आयतें तिलावत कर रहे थे और सैयदना उमर और सदीगर साहबा कहते हैं हमें लगा जैसे आयतें आज ही उतरी हैं। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपना वो मशहूर मकूला उन्होंने बोला कि इन इन मुहम्मदन कदमात, ए लोगो नबी सल्लम फौत हो चुके हैं, मन का नया बुद मुहम्मदन फ इन मुहम्मदन कदमात, जो नबी सल्लम की इबादत करता था, मोहम्मद की इबादत करता था, वो तो फौत हो चुके हैं। मन का नया बुद्ला फ इन हय्युन ला यमूत, जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहेंगे, अल्लाह को मौत नहीं आएगी। ये अजम था, ये ईमान था, ये यकीन था सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सबकी इस्लाह की। अब वो मुश्किल तरीन मौका के अब नबी सल्लम फरमा गए थे कि उसामा को अमीर बनाया लश्कर का, कहा इस लश्कर को कहा कि तुम कूच करो, लेकिन आप बीमार हुए, आपकी बीमारी की वजह से टेंशन में वो लश्कर रुक गया, और इसी बीमारी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। अब वहां से मुनकरीन हदीस, वहां से मानेईन ज़कात, वहां से फितने उमड़ते चले आ रहे हैं। तो अब उस मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सामने बहुत बड़े बड़े फितने थे, बहुत बड़े बड़े मसले थे। तो अब सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हमें उस लश्कर को भेजना है जिस लश्कर को भेजने के अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिर फरमा चुके हैं, उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को। तो सहाबा किराम कहने लगे, हजरत तो उमर वगैरह कहने लगे कि इस वक्त तो वो मुनकरीन ज़कात का फितना है, इस वक्त मुर्तदीन का फितना है, दीगर बहुत सारे फितने हैं, तो इस वक्त इस लश्कर को भेजना सूदमंद नहीं होगा, दूसरे लोग हमला कर सकते हैं, तो अगर ये लश्कर, ये ताकतवर लश्कर ये अगर निकल गया तो मुसलमान कम रह जाएंगे, क्योंकि तो दुश्मन हमला ना कर बैठे, दीगर फितने भी मौजूद हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि नहीं, ये लश्कर जरूर निकलेगा, फिर
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको निकलने का हुक्म दे चुके थे। जैसे भी हालात हों अभी लश्कर जरूर निकलेगा। सैयदना उमर कहने लगे, दिगर सहाबा किराम कहने लगे, अच्छा अगर आप इस लश्कर को भेजने पर मुसिर हैं ही, तो ये 18 साल का नौजवान, ये इसका अमीर है, कोई बुजुर्ग सहाबी, कोई जलील कदर सहाबी, किसी बुजुर्ग सहाबी को, किसी बड़े सिपा सलार सहाबी को इस लश्कर का अमीर मुकर्रर कर दिया जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला गुस्से में आ गए, कहने लगे कि जब लश्कर का अमीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया है जिसको, मैं उस लश्कर के अमीर को कैसे चेंज कर सकता हूँ। सैयदना उमर भी कहने लगे कि अबू बकर थोड़ा सा इस बारे में गौर कर लीजिए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उमर को कहा कि ऐ उमर, तुम तो बड़े बहादुर बनते थे और तुम तो ये थे, तुम तो फलां थे, आज तुम इतने बुजदिल कैसे हो गए, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो ये वो अजम था, ये वो ईमान था, ये वो यकीन था जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के अंदर मौजूद था। उन्होंने उस लश्कर को भेजा और वो तमाम फितनों का उन्होंने मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि एक जरबुल मसल बन गई, रिद्दतुन ला अबा बकरिन लहा, के लोग मुर्तद हुए, फितने आए, लेकिन अब ऐसे फितने हैं कि अब उन फितनों का मुकाबला करने के लिए अबू बकर जैसे ईमान वाला, अजम वाला शख्स मौजूद नहीं है। तो बहरहाल अजम जो है ये बहुत जरूरी है, और ये अजम वाले काम जिसमें खास तौर पे सब्र, जब ये इंसान के अंदर अजम होता है, सब्र होता है, तो फिर इंसान गलतियों से भी बचता है, और जब इसके अंदर कमी आती है तो इंसान गलतियों में मुबतला भी होता है। वलकद आहिदना इला आदम मिन कब्ल फनसिय वलम नजिद लहु अज़्मा, हमने अहद लिया था आदम अलैहि सलाम से इससे पहले, वो भूल गए, हमने अजम नहीं पाया। तो अजम की वजह से वो भूल गए और उन्होंने दरख्त का फल खा लिया, या इससे मुराद ये है कि हमने वो जो उनसे गलती हो गई थी उस गलती पर हमने अजम नहीं पाया, वो उस गलती पर जमे नहीं। बहरहाल तो फरमाया कि ये उलुल अजम कामों में से हैं, ये काम, ये बड़े बड़े काम हैं, ये इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। बाद फसलियों के मुताबिक इससे मुराद ये आखिरी वस्बिर अलामा असाबक है, खास तौर पे सबर, सबर आज समझिए कि ये दीन इस्लाम की बुनियाद है, अपने आप को कंट्रोल रखना, मुश्किल में भी सबर और नेमत में शुक्र, कि शुक्र भी असल में सबर की ही एक सूरत है। शुक्र में जब इंसान शुक्र अदा करता है, गोया कि इंसान अपने आप को कंट्रोल में रखता है। सबर, ये जो आजमाइशें आती हैं उन पर भी सबर होता है। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं, जिन अहकामात को बजा लाना होता है, उन अहकामात को अदा करने के लिए सबर से काम लेना पड़ता है। असब्र अला अवामिरिल्लाह, अल्लाह के अहकामात पर सबर। हम सोए हुए हैं, नींद आई हुई है, नमाज का वक्त आया, तो अब अपने आप को तैयार करना नमाज के लिए, उठाना, हम मसरूफ हैं, नमाज का वक्त आ गया, तो अपनी मसरूफियत को छोड़कर नमाज के लिए उठना, ये भी सब्र है, बहुत बड़ा सब्र है। और फिर सब्र की तीसरी किस्म, एक सब्र की किस्म है कि आजमाइश आए, मुश्किल आए, बीमारी वगैरह, तो उस पे सब्र करना। सब्र की दूसरी किस्म है अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं उन अहकाम को बजा लाने के लिए सब्र करना, और सब्र की तीसरी किस्म है कि अल्लाह ने जिसे रोका है उससे बचने के लिए अपने आप पर कंट्रोल करना। ये सब सब्र की किस्में हैं। तो जो आपको पहुंचे उस पर सब्र करें, इन ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये उलुल अज़्म कामों में से है। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और ना तू फुला अपना गाल लोगों के लिए, वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और ना तू चल जमीन में अकड़ कर। सैयदना लुकमान अलैहि सलाम की नसीहतें जारी हैं, अपने बेटे को फरमाते हैं, ये एटिकेट्स हैं, दीन के एटिकेट्स हैं। दीन नाम ही अदब व आदाब का है, अखलाक का है, इबादात का और दीगर अखलाक का। क्यामत के दिन नामा अमाल में सबसे वजनी चीज ये आदाब और ये अखलाक होंगे, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक से पता लगता है। फरमाया वला तुसाइर खद्दक लिन्नासी,
और ना तू फुला अपना गाल लोगों के लिए। तकबुर मुराद है, तकबुर से इस्तियारा है कि इंसान के पास कोई माल और दौलत हो, कोई अल्लाह की नेमत हो जाहिरी, या कोई इख्तदार इख्तियार हो, तो इंसान के गाल फूल जाएं, इंसान के गर्दन में सरिया आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने आपको फतह दी, जिस मक्का मुकरमा से आपको मजबूर करके हिजरत पर मजबूर कर दिया गया, एक वक्त आया 8 हिजरी को आप उस मक्का मुकरमा में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए, तो जब आप 10,000 के ठाठे मारते लश्कर के साथ, जान निसार सहाबा 10,000, जब आप उनके साथ मक्का मुकरमा में आप दाखिल हुए, तो आपका सर मुबारक झुका हुआ था, ऊँटनी पर आप सवार थे, और आपका सर मुबारक इतना झुका हुआ था कि बार बार ऊँटनी की कुहासे लग रहा था। उस वक्त भी आप किसी तकबर में, किसी गुरूर में, किसी फख्र में मुबतला नहीं हुए। आपने कहा कि ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह का इनाम है। आप अल्लाह के नबी भी थे, जलील कदर पैगंबर भी थे, खातमुन नबीयीन भी, और आप अमीर भी थे। तो एक शख्स आया आपके पास, आपसे बात करने लगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत उस पर मुबतला हो गई, तो वो कांपने लगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हौसला दिया, और उसे हौसला देकर कहा कि तुम किस बात से हैबत खा रहे हो, किस बात से डर रहे हो? मैं तो वो हूँ कि जिसकी माँ जो है वो गोश्त खुश करती थी, और खुश करके गोश्त के टुकड़े खाया करती थी, जिस तरह दीगर लोग, आम लोग खाते हैं। तो मैं ऐसी माँ का बेटा हूँ, तो मुझसे हैबत खाने की, मुझसे डरने की क्या जरूरत है? तो गोया कि इंसान पर जो भी नेमतें आए, और जो भी इंसान को इख्तियार इख्तदार मिले, तो इंसान को फख्र और गुरूर में मुबतला नहीं होना चाहिए। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, और ना तू फुला अपना गाल लोगों के लिए। वला तमशी फिल अर्ज मरहा, और ना तू चल जमीन में अकड़ कर। तकबुर की एक सूरत तो ये है कि अपना गाल फुला लेना, गर्दन अकड़ जाना, गाल फूल जाना, और तकबुर की एक सूरत ये, जब इंसान चले तो इंसान अकड़ कर चले। तो ये अल्लाह को तकबुर सख्त नापसंद है। जिसके दिल में राई बराबर तकबर हो, तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, जिस हदीस मुबारका से पता लगता है। और अल्लाह ताला ने कितने बेहतरीन तरीके से समझाया, सूरह बनी इसराइल में हम पढ़ आए हैं, अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्ज मरहा, तो जमीन में अकड़ कर ना चल। एक इंसान जमीन में अकड़ कर चलता है, तो अकड़ कर चलने से वो क्या समझता है? इन्नका लन तखरिकल अर्ज़, क्या तू जमीन को फाड़ देगा? वलन तबलुगल जिबाल तूला, क्या तू इतना गर्दन अकड़ा कर इतना ऊंचा हो जाएगा कि पहाड़ों से ऊंचा हो जाएगा? ना तू जमीन को फाड़ सकता है, ना तू पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकता है, तो तू अकड़ कर क्यों चलता है? तुझे किस चीज की अकड़ है? तुझे किस बात का फखर है? तेरा क्या कमाल है? सारा का सारा कमाल तो अल्लाह का है। अगर अल्लाह ने किसी को ताकत दी है, तो ये अल्लाह का कमाल है। अगर अल्लाह ने किसी को इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, मालदार बनाया है, किसी को इख्तियार दिया है, तो ये सारी नेमतें तो अल्लाह की तरफ से हैं। इसमें इंसान का ज़ाती कमाल क्या हुआ? कोई सलाहियत है अल्लाह की दी हुई है, तो इंसान अकड़ता किस बात पे है? यही अकड़ में शैतान मुबतला हुआ और रांधा दरगाह हो गया। वो कहने लगा मैं तो आग से बना हूँ, आग से बनी हुई मखलूक, मट्टी से बनी हुई मखलूक को कैसे सजदा करे? उसे ये भूल गया कि वो खुद आग से नहीं बना था, उसे अल्लाह ने पैदा किया था। जिस अल्लाह ने उसे पैदा किया था, उसी अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था। उसमें उसका क्या कमाल था? उसका कोई कमाल नहीं था। ये अलग बात है क्या आग मट्टी से अफजल होती कि नहीं होती, लेकिन उसका ये कहना कि मैं आग से बना हूं और आग मट्टी को कैसे सजदा कर, आग से बनी मखलूक मट्टी से बनी मखलूक को कैसे सजदा करे? भाई अल्लाह ने बनाया था आग से, अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, अल्लाह ने हुक्म दिया जिन को कि वो आदम को सजदा करे, उसने इनकार कर दिया। ये तकब्बुर था, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो अल्लाह फरमाते हैं तू के तू जमीन में अकड़ कर क्यों चलता है? तू जमीन पे जोर जोर से कदम मार कर चलेगा, तो क्या जमीन को फाड़ देगा?
तू गर्दन अकड़ा कर चले गया, गर्दन ऊंचा करके, सर ऊंचा करके, तकब्बुर के साथ, फखर के साथ, तो क्या तू पहाड़ों से ऊंचा हो जाएगा? ना इंसान पहाड़ों से ऊंचा हो सकता है, ना जमीन को फाड़ सकता है। तो इंसान को अपने आप में रहना चाहिए। रहमान के बंदे कौन होते हैं? वह इबादुर्रहमान, रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह वाले वो हैं, जो वो जमीन में चलते हैं तो नरमी के साथ चलते हैं जमीन में। लेकिन देखिए, इस्लाम में ना इफ़रात ना तफरीत, ना इंसान इतना अकड़ कर चले कि वो फख्र वाली चाल हो, तकबुर वाली चाल हो। अल्लाह को चाल इतनी नापसंद है। एक हदीस मुबारक में आता है, सही हदीस में, कि अल्लाह ने देखा एक शख्स को पुरानी कौमों में, वो अकड़ कर चल रहा था, अल्लाह को उसकी चाल इतनी नापसंद आई, अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। वो क्यामत तक जमीन में धंसता रहेगा, अल्लाह को तकबुर इतना नापसंद, क्यामत तक जमीन में धंसता रहेगा, सिर्फ तकबुर और अकड़ की चाल चलते हुए, चाल चलने की वजह से। ये इफ़राद भी नहीं है हमारे दीन में, और तफरीत भी नहीं है। एक बंदा इतनी आजिज़ी के साथ चले मरियल अंदाज में, कि वो इंसान का सर झुका हुआ हो, और इंसान ने अपने ऊपर एक खुद साख्ता सी, एक जिल्लत सी तारी की हो, तो अल्लाह को ये भी नापसंद है। एक इंसान दिखावे के लिए लोगों के सामने सर झुका कर चले। हाँ, इंसान आजिज हो, आजिज़ी की वजह से इंसान आजिज़ी करे तो एक अलग चीज है, लेकिन एक इंसान जो है वो जब भी चले कमर झुका कर चले, कंधे झुका कर चले, और वो ऐसा चले कि उसका सर जो है वो झुका ही हो मुस्तकिल, तो ये चाल भी अल्लाह को पसंद नहीं है। नरमी के साथ चलना, मियाना रवि के साथ कदम रखना दरमियाने अंदाज में, ये अल्लाह को पसंद है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला नु देखते थे, किसी को वो नमाज पढ़ रहा है और वो इतना झुके हुए खड़ा है और सर झुका कर और कमर झुका कर नमाज पढ़ रहा, तो वो डांटते थे, दुर्रा लगाते थे। किसी देखते थे कि वो मरियल अंदाज में चल रहा है, तो ना इफरात है ना तफरीत है इस्लाम में। मियाना रवि के साथ, हाँ दिल में आजजी हो। अल्मुमिनुल कवी खैर व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिल ज़ईफ, ताकतवर मुसलमान ज्यादा बेहतर है, अल्लाह को ज्यादा महबूब है एक कमजोर मुसलमान से, क्योंकि ताकतवर वो इस्लाम को गलबा पहुंचा सकता है, वो लोगों की मदद कर सकता है। तो तकब्बुर से बचने का हुक्म दिया है, मियाना रवि से चलना चाहिए, लेकिन इसके अंदर ना इफरात होना चाहिए ना तफरीत होनी चाहिए। इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करते हर फखर का, हर तकबूर करने वाले को, फखूर हर फखर करने वाले को। मुख्तालिन से मुराद तकबूर करने वाला, फखूर फखर करने वाला। वक्सिद फी मशी का, और तू मियाना रवि अख्तियार कर अपनी चाल में। वही बात जैसे मैंने जिक्र किया, ना अकड़ वाली चाल हो, ना इफरात हो, ना तफरीत हो, कि इंसान वो झुक झुक कर ही चलना शुरू कर दे। हाँ, एक बंदा बूढ़ा है, अल्लाह माफ करे, उसको कुब निकला हुआ, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक इंसान आजिज़ी जाहिर करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए इंसान, वक्सिद फी मशी का, और मियाना रवि अख्तियार कर अपनी चाल में, ना इफरात हो ना तफरीत हो। इस्लाम तो नाम ही मियाना रवि का, वग़ुद मिन सौतिक। ये जो मियाना रवि है चाल चलने में, ना इंसान अकड़ कर चले, ना इंसान बहुत ज्यादा झुक कर चले, मियाना रवि के साथ चले। जिस तरह ये मियाना रवि चलने में होती है, इस तरह मियाना रवि बातचीत करने में भी होती है। ना इंसान इस तरह बात करे कि इंसान बहुत ऊंची आवाज से बात करे, गुस्से से बात करे, हर वक्त डांट कर बात करे, बल्कि इंसान की आवाज पस्त होनी चाहिए, नरमी के साथ बात करनी चाहिए। इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेशक बदतरीन आवाजों में से अल्लाह के नजदीक गधे की आवाज, गधे की आवाज बड़ी ऊंची होती है, तो अल्लाह को गधे की आवाज बड़ी नापसंद है। तो यानी जो बंदा ऊंची आवाज से बात करता है, हर वक्त डांट डपट के साथ बात करता है, गोया के गधे की मिसाल है, वलियाज बिल्ला। तो इंसान को
नरमी के साथ बात करनी चाहिए, पस्त लहजे में बात करनी चाहिए, न उसकी चाल में चाल ढाल में उसके फख्र और गुरूर होना चाहिए, न उसकी आवाज़ इतनी ऊंची हो और इतनी सख्त आवाज़ हो कि उसकी बातचीत के अंदर भी गुरूर नहीं होना चाहिए। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी ही व यदी। हकीकी मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए, हर वक्त वसूली वसीली आवाज नहीं होनी चाहिए, हर वक्त डांट डपट का माहौल वाला नहीं होना चाहिए, हर वक्त किसी की गीबत करना और किसी को जो है वो जबान के जरिए तकलीफ पहुंचाना। तो मैनर रहने के साथ बात करनी चाहिए। ये इस्लामी एटिकेट्स हैं, जबरदस्त किस्म के आदाब हैं जो इंसान को खुद भी अपनाने चाहिए और अपने बच्चों को भी, अपने मुतालिकीन को भी इसका हुक्म देना चाहिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।